अच्छा वसीम ये बताओ, जो वारदात करते हो जी सर, वो अगर मेरे साथ करनी हो तो आगाज कैसे करते हो, क्या बोलते हो? सर मैं गुजरता हूँ साथ से, आप बुलाते हैं, चोर साहब बात सुनना, मैं आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ क्या बात है, तो आप कहते हैं ये हमें पैसे उधर से मिले थे, ये इसको वापस कर दिए, ये आदमी भी कहता है मेरे चैन नहीं है, अंगूठी नहीं है, वो आप बरामद कर दें इनसे, ये नहीं दे रहे, तो मैं आपको कहता हूँ हाँ भाई सही सी बात करो, सच्ची बोलो, इसकी किधर है अंगूठी, इसकी चैन किधर है, जो भी चीज़ हो, तो आप कहते हैं हमसे तसल्ली ले लें, हमारे पास नहीं है, आप चेक कर लें, हमारी तलाशी ले लें, वो हमारा आदमी कहता है, आप भी कहता है, इसी तरह हम, मैं कहता हूँ फिर अपना अपना आप तसल्ली मान प्राण से देनी है, जो भी चीज़ है आप अपनी तसल्ली देते हैं, ठीक है देते हैं, जो अपना जो सामान है, जो कागज़ पत्र अपना जो भी है वो अलहदा करके बंद कर लो अपने सामान कपड़े में, वो हमारा आदमी कर लेता है, आप भी कर लेते हैं, इसी तरह दोनों पार्टियाँ फ्रीकैन वो बंद कर लेती हैं, उसके बाद उनको मैं कहता हूँ अभी आपने सही सच तसल्ली देनी है, झूठ नहीं बोलना, वो कहते हैं बिल्कुल जैसे आप तसल्ली चाहते हैं वैसे ले लें, मैं कहता हूँ ठीक है, फिर आपने 70 कदम जाना है बिल्कुल सीधा, वापसी पे ऐसे ही वापस आना है, अस्तगफुरल्लाह अस्तगफुरल्लाह से पढ़ते आना है, वापस अपने सामान पे हाथ रख कर कहना कि मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता होता मैं, मुझे अल्लाह पाक माफ़ ना करे, वो पहले उसका सामान रख लेते हैं हम अपने आदमी का, फिर जिससे लेने होते हैं उसको बेचते हैं, वो भी ऐसे ही जाता है, आप भी जाएंगे ऐसे बिल्कुल सीधा, फिर ऐसे आप सीधा जा रहे होते हैं, गाड़ी आती है पीछे साथ ही लगी होती है, ड्राइवर होता है, वो गाड़ी आती है, हम गाड़ी में बैठ जाते हैं, तो हम निकल जाते हैं, तो वो आदमी जा रहा होता है अभी,